वेजिटेरियन नॉर्मल है, नॉन वेजिटेरियन एबनॉर्मल है। पकड़ा ड्रम किया झटका। अगर अगर, अगर जानवरों को दर्द होना बंद हो जाए तो खा लो। हाँ, एक तो किसी जीव की हत्या क्या करूंगी, ये फल फूल पौधे ये क्या है, ये जीव नहीं है, दर्द की कोई दर्द नहीं होती। तारा में इकोनॉमिक्स होनी। Hello and welcome to another episode of the Fourth Dimension. It's Sanjay Rajora and Dr. Avril Watts again. And today, in this episode, we are going to talk about food habits. Dr. Saab, hum majorly baat karenge vegetarian or non-vegetarian food pe. Pehle, aap kya ho pehle? Main to, I like to eat everything. Achha. ट्रेडिशनली तो हम नहीं खाते थे, लेकिन फिर मैंने ट्रेवल करना शुरू किया दुनिया भर में, तो मैंने देखा कि यार अपनी किचन तो लेके आप हर जगह नहीं जा सकते, ठीक है ना, कि वो ही राजमा चावल, हाँ, वो आलू गोभी और वो ये सब ढूंढते फिर, क्योंकि यू आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट कल्चर्स। इट्स आल्सो, आई आल्सो फाइंड इट डिसरेस्पेक्टफुल कि आप किसी दूसरे कंट्री में, दूसरे कल्चर में जाके वहां पे जाके बोलोगे मुझे तो भाई नो एग, नो चिकन, नो ये, तो सामने वाला बंदा कंफ्यूज होता है। ठीक है, मुझे याद है एक बार मैं इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे था। अच्छा। तो वहां पे सबवे के ऊपर एक इंडियन कपल था, मतलब गुजराती थे वो, और वो इस्तांबुल में उसके पीछे पड़ रहे जो सबवे में सर्व कर रहा था, नो मीट नो मीट नो मीट। अच्छा, ठीक है। और जब वो समझा रहा था उसे नो मीट नो मीट नो मीट, पीछे से कोई और ग्राहक आ गया, उसने अपना टर्की सैंडविच या कुछ लिया, तो उसने बना बुन के फटाफट उनको दे दिया। अब ये उसमें नुक्ताचीनी कर रहे कि ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। अब उसने बीच में उसका मीट का सैंडविच लगा के दे दिया। अच्छा, तो फिर इनका बनाने लग गया, कहता नहीं हाथ भी लगाया तुमने ना तो ये नहीं। अब उसे समझना है, उसे अंग्रेजी ठीक से आती नहीं थी। अच्छा। तो वो ये उसको बोल लगे मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अब तुम हाथ, ये हाथ से ग्लव्स जो है तुमने पहने हुए ये हटाओ। अच्छा अच्छा, उसे समझ गया, उसने बोला कि ग्लव चाहिए क्या, ग्लव खाने क्या आपको। अच्छा, तो मैं वो देख के बोल रहा, मैंने कहा यार मतलब कितनी हद्दी है यार, ये तो अपना टिफिन साथ में बांध के लेके आओ ना यार, लेके भी जाते हैं। हाँ, जाते हैं, करते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि जहां पे हम जा रहे हैं उनका वो हमारे हिसाब से केटर कर देंगे। पहली बात तो मुझे वर्ड ही नॉन वेजिटेरियन का आराम लगता है। हाँ, उसका नेगेटिव कॉनोटेशन ऑलरेडी हो गया, वेजिटेरियन नॉर्मल है, नॉन वेजिटेरियन एबनॉर्मल है। राइट राइट राइट। तो आप क्या हो, आप सब कुछ? मेरी भी सिमिलर स्टोरी है, एक मतलब बंदा छोड़ के सब कुछ खा लेता हूँ। तो आई वॉज नॉट ब्रॉट अप कि मैं एज अ मीट ईटर, मेरे ख्याल 16 की उम्र में होऊंगा मैं जब पहला मैंने चिकन टेस्ट किया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने जब घर छोड़ा पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि देखो वेजिटेरियन फूड को तो त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेरियन फूड जो जिनको खाने की आदत होती है ना, यही पंगा होता है। जहाँ जाते हो आप अपना ही ढूंढते हो, और हर जगह वो बढ़िया नहीं मिलता। तो मैंने फिर खाना शुरू किया, तो फिर जब एक चीज़ खानी शुरू की मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब नॉन, जब जब एनिमल मीट खाना ही शुरू कर दिया, तब फिर तो आदत की बात है मेरे हिसाब से। तो मैं तो इतना सा सोचता हूँ कि बेसिकली ये ना 2.5 इंच का अपना टिश्यू होता है जीभ, इसमें ना टेस्ट बड्स होते हैं हमारे, इसको क्रॉस करना है आपको। इसको जब आपने क्रॉस कर लिया ना, चबा चबू के खत्म बात, आगे तो एसिड है उसमें, तो जो जाता है सब बराबर उसके बाद वो मिक्सअप होता है और आगे डाइजेशन में सारा काम चलता है। तो ये 2.5 इंच, 2-2.5 इंच का जो टिश्यू है ना, इसके पीछे दुनिया मरी रहती है। नहीं, हमारे जो ये मित्र हैं प्रयास बाबू, हाँ हाँ, ये अभी चेप रहे थे बातें, ज्ञान पेल रहे थे ये अभी। अच्छा, क्या? कि ह्यूमंस आर नॉट मेड टू, मेड फॉर ईटिंग मीट। अच्छा, क्या कहना है आपका? कुछ हाँ कहा, बताइए जरा। सारा हिंदुस्तान सदियों से बिना मीट खाए चलता है। किसने कहा है? हरियाणा चलता है। किसने कहा है? हरियाणा में तो आज भी आपको मीट बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो एक तो हरियाणा की प्रॉब्लम ये ना, इनको लगता है कि हम ही हिंदुस्तान है। हाँ, हरियाणा इक्वल टू हिंदुस्तान। हाँ, हरियाणा खुद, हाँ, कितने 1950 में उसमें आया जी एग्जिस्टेंस में, बट हरियाणा जब पंजाब डिवाइड हुआ था, हरियाणा भी तो थे ना, पंजाब में रहते थे। नहीं, वही कह रहा हूँ ना मैं, तो वही देखो, पहले तो पंजाब था बड़े वाला, वो उसमें तो सारे खाते थे। ये बात डर के क्यों बोलो, जोर से बोलो ना, जोर से बोल रहा हूँ।
बोलो बोलो। नहीं दिक्कत क्या है, हमारे दादे पुरखे कभी मीट के हाथ नहीं लगाया, अच्छे हट्टे कट्टे थे, क्या जरूरत है किसी आदमी को मार के खाने। पहली बात तो ये कि हट्टे कट्टे का इससे लेना देना क्या, स्वाद की भी तो बात होती है, और कुछ कल्चर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंट होता है कि जहाँ पे बिना मीट के आप रह नहीं सकते। हाँ वो भी है। मंगोलिया में आप चले जाओगे, मंगोलिया में आप क्या ढूंढते फिरोगे, मसूर की दाल और रोटी और प्याज मंगोलिया में खा लो, लेकिन हरियाणा में जो आदमी रह रहा है उसको क्या जरूरत है खाने की यार। किसी का मन कर रहा है अगर खाने का तो खा लेना चाहिए, ये तो मैं एग्री करता हूँ, जिसको खाना है मिल रहा है तो खा लेना चाहिए। अब ये कौन सी, अब हरियाणा में इतने सारे कल्चर्स भी हैं, हाँ, जो इतने हाँ, सारे रिलीजन्स भी हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा पहलवान होते हैं, हाँ, तो ठीक है, हाँ, उनमें से एक से ही पूछ लो मीट खाता हो तो इवन दैट डजंट प्रूव एनीथिंग। नहीं इट प्रूव्स ना कि कोई जरूरत नहीं है, बिना खाए भी आपका काम बढ़िया चलेगा। पहली बात तो आपने पूछा नहीं सभी से, मैं गारंटी से कहता हूँ कि बहुत होंगे जो खाते भी होंगे, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि नहीं खाते। पहलवान हनुमान के भक्त होते हैं, सारे नहीं होते, ये तो फिर ये तो स्टीरियोटाइप बना रहा है यार, ये तो बात पहलवान हनुमान की, फिर इसमें धर्म लेके आ जाओगे, फिर इसमें रामचरितमानस आ जाएगा, फिर इसमें पुराना कुछ नहीं, जो है वो है वो तो बताऊंगा ही ना। अरे यार तुम क्या बता रहे हो, तुम ये बता रहे हो खाड़े में सुबह से लेके शाम तक आपको दंड लगवाई जाती है हनुमान के सामने। हाँ ठीक है, अंडा भी नहीं खाते जी। तो मतलब क्या समझ आई, बात समझ नहीं आई। अंडे में जो प्रोटीन है वो नहीं चाहिए उनको, नहीं चाहिए आपको प्रोटीन, वही प्रोटीन आप बादाम से मिल जाएगा आपको। नहीं मिलता, नहीं मिलता, वो तो नहीं मिलता। उनका तो काम चल रहा है डिफरेंट, कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है काम, दुनिया में कहाँ टॉप पे है इंडियन रेसलिंग, नहीं है। उज़्बेकिस्तान रेसलर जो दुनिया में रेसलर हैं टॉप पे, उनसे जाके पूछना पड़ेगा। आप कह रहे हो मीट खा लेंगे तो टॉप पे पहुंच जाएंगे, शायद ये नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन शायद, क्या पता, ये नहीं कह रहा मैं। उज़्बेकिस्तान गया था मैं अभी पिछले महीने, ठीक है, उज़्बेकिस्तान के रेसलर्स टॉप पे है। अच्छा हाँ ठीक है, और दबा दबा के पेलते हैं वो, मतलब कुश्ती में। अब हरियाणा वाले को, हरियाणा वालों को ये लगता है कि कुश्ती तो यही हो रही और कहीं हो ही नहीं रही, हम ये दूध ही प्रयास खा के। प्रयास आपको लगता है हरियाणा वालों को लगता है, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो प्रयास आप कह रहे हैं कि जहाँ वेस्ट बंगाल साउथ महाराष्ट्र में सब जगह मीट खाया जाता है, वो पहलवान नहीं बने कभी, हरियाणा वाले बन गए। वो क्या बने, वो क्या बने, मीट खा के वो क्या बने, बताओ क्या किया, बताओ। एक मिनट, ये इनकी तरफ कैमरा है क्या हमारा? नहीं नहीं है, नहीं है अभी, लगा दो। ये था पहलवान हमारा। हाँ जी बताओ बताओ कि साउथ महाराष्ट्र कोई पहलवान देखा आपने, साउथ को कोई पहलवान देखे, हरियाणा वाले बनते हैं पहलवान। पहलवानों को क्या करना है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई और जिंदगी में काम नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ जान जरूरी नहीं है, आपको मीट खा के आएगी, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं। ताकत होनी चाहिए आदमी में। कौन सी ताकत, कौन सी ताकत, ताकत शरीर में, कुश्ती में लड़ने की ताकत। ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि बाहर से आएगी, ये तो एक चॉइस है ना, मतलब किसी को अगर खाना है तो खाना, नहीं खाना तो नहीं खाना। हरियाणा वालों को नहीं खाना, अगर हरियाणा वाले मीट खा लेंगे पहलवान तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। नहीं ठीक है, बस यही मैं बात करना चाह रहा था, क्या पता बढ़ भी जाए, जब उन्होंने खाया ही नहीं तो पता कैसे उनको बढ़ जाएगी। क्या प्रॉब्लम है मीट से? हाँ ये बताओ यार, अभी तो तुमने खुद चिकन मंगाया। किसी जीव की हत्या क्यों करनी, जब इतने भगवान ने बना के दिया है आपको चारों तरफ फल फूल सब्जी, एक मिनट ये खाओ ना। इसमें तीन चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली है मेरी। एक तो किसी जीव की हत्या क्या करनी, तो ये फल फूल पौधे ये क्या है, ये जीव नहीं है, उनमें दर्द की कोई नर्व्स नहीं होती तो पौधों में। चलो वैसे उधर से आवाज आ रही है कि होती है, नहीं होती है तो सिर्फ दर्द है, दर्द क्यों देना किसी? नहीं नहीं ठीक है, लोग जीव तो है ना वो, अब उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। फिर आप कहोगे मैं तो आदमी भी खा लूंगा, मैं कह रहा हूँ जीव तो है, आदमी मार के क्यों नहीं खा दो? मेरी बात तो सुनो, खाने वाले खाते हैं, और गोड़ी बाबा कौन से हैं वो खाते हैं, वो अपनी एथिकल वो दूसरी बात आ जाती है, लेकिन जीव तो है ना प्लांट, दर्द नहीं होता मान लिया। हा? तो जी अगर क्यों करवाया, अगर अगर किसी एनिमल को आप बिना दर्द दिए, कम दर्द दिए मार दो, फिर खा लोगे? नहीं मारा तो ना बेचारे को, तो दर्द ही नहीं हुआ। वो कोई जानवर मुर्गा वो भी उतना ही जीना चाहता है जितना हम जीना चाहते हैं, और उतने ही प्लांट जीना चाहते हैं जितना हम जीना चाहते हैं, उसका क्या जवाब है? प्लांट भी तो उतने ही जीना चाहते हैं सर, हम क्यों खाते हैं उसको? कम से कम प्लांट को दर्द, अगर जानवरों को दर्द होना बंद हो जाए तो खा लोगे? हाँ खा लोगे, अगर उसकी फैमिली ना हो, बच्चे ना हो उसके, दूसरी बात, दूसरी बात आपने वो भगवान की बात, एक मिनट सर, मेरे पॉइंट सर, एक मिनट मैं थोड़ा वो हो गया, ट्रिगर हो गया, तो भगवान ने हमको ये दिया है, अरे भगवान ही नहीं होता यार, नेचर मतलब भगवान मतलब नेचर, नेचर नेचर में हम इवॉल्व हुए हैं, और हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फूड चेन के टॉप पे बैठे हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं,
नहीं खाते तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते, एक आधा मिलियन साल पहले खत्म हो चुके होते हम। हमने जानवरों को खाया इसीलिए हम यहाँ पे हैं, हंटिंग करते थे हम। प्लांट तो हम बाद में उगाने लगे, हरियाणा वाले हंटिंग नहीं करते थे, कुश्ती करते थे। अरे हरियाणा वालों को यही तो प्रॉब्लम है, समझा नहीं पा रहा हूँ मैं, बाकी को तो समझा दूंगा, आपको नहीं समझा पा रहा हूँ कि वहां तक पहुंचने से पहले, खेती करने से पहले हम जानवर मार के खाते थे। लेकिन सर ये तो पूछो इनसे कि ये बोलते हैं उसकी फैमिली नहीं है, वो आप दूसरी बात, वो क्या है बस, क्या फैमिली है, मतलब मतलब आपने मान लो मुर्गा पकड़ के, हरियाणा वाले उनकी शादी में गए थे क्या? आपने मुर्गा पकड़ के खा लिया है, उसके भी बच्चे होते होंगे, उसको भी प्यार होता होगा बच्चों से, जो सिंगल होगा उसको मार दोगे? जानवरों में उतना ही प्रेम होता है, उतना ही वो होता है, इमोशंस होते हैं, जितने हम में होते हैं, ठीक है ना? पता नहीं आप कह रहे हो, नहीं होता है नेचुरल लाइफ भी, तभी तो बच्चे हो रहे हैं उनके। अरे तो प्लांट के भी तो बच्चे हो रहे हैं, मुर्गी से प्यार करता तभी तो बच्चे हुए उसके। सर आप अपने गड्ढा खोद के ना उसमें गिरे जा रहे हो, नहीं नहीं गिरे भी जा रहे हो, ऊपर मिट्टी भी गोले डाल रहे हो। मुर्गी से प्यार होता है, मुर्गी को क्या है, क्या बढ़िया, ये बढ़िया था। मोनोगैमी तो उनमें भी होती है। अच्छा अच्छा बता सर, उनमें इंटरकास्ट होती है मैरिज? उनमें इंटरकास्ट होती है? हरियाणा वाले मुर्गों में भी होती है। नहीं देखो सर, आप हरियाणा वालों के ऐसा मत वो करो, लेकिन बात यही है कि अगर हम ना खाते होते है ना, अगर हम तब तो फिर हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते थे, हरियाणा वाले के हम भी नहीं पहुंच सकते थे अगर हम जानवर ना खाते। नहीं ऐसा नहीं है, देखो हिंदुस्तान में इतनी वेजिटेशन है, कोई जरूरी नहीं है आपको कि आपको बतेरे आपको सारे जरूरी नहीं है। देखो सुनो, जरूरी तो नहीं है, लेकिन किसी का मन कर रहा है तो हाँ, मन करके किसी को मार के खाना तो इंसान को भी खा जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, करते ही हो कोई भी, बट मैं ये कह रहा हूँ देर इज नो इमोशनल नीड, देर इज नो फिजिकल नीड ऑफ ईटिंग। ये आप नहीं कह सकते ना, आप ये कह सकते हो कि माई इमोशनल नीड इज कि मुझे भाई प्लांट्स खाने हैं। आप ये नहीं कह देते कि भाई तेरी इमोशनल नीड नहीं है कि तू जाके अगर आपने मीट नहीं खाया तो यूं नहीं है आपके दो सींग निकल आएंगे, वो तो प्लांट खा के भी नहीं निकलेंगे, वो तो ऐसे ही रहेगा सबका। वही तो मैं कह रहा हूँ, फर्क कुछ भी नहीं है इस बात में, तो नहीं है कि मैं दूसरों को बोलूंगी, मैं ये भी नहीं कहता कि आप मुर्गा खाओ यार, लेकिन जो मना खा लो, जिसको खाना है खाओ, जिसको नहीं खाना मत खाओ। लेकिन फिर भी मैं एक आर्गुमेंट सुनना चाहता हूँ कि इनमें मोनोगैमी भी होती है, हाँ, प्यार भी होता है, बच्चे भी इनमें बच्चे भी होते हैं, जीना भी उतना ही चाहता है जितना आप जीना चाहते हैं। इंटरकास्ट मैरिज और थोड़ा आप वो ढाई इंच के स्वाद के लिए एक मुर्गे को दुनिया से निकाल दिया, जिससे प्यार करता था उससे जुदा, उसको तो वो हुआ ये कि उसको तो पाला उसी लिए गया था कि भाई तेरा काम यही है, तू बड़ा होके काटा जाएगा और प्लेट पे आएगा, लेकिन नेचर ने उसको इसलिए नहीं बनाया, नेचर ने नहीं बनाया था, वो जिसने जो फार्मर ने बनाया था ना, वो इसीलिए, जैसे आपने क्रॉप लगाई ना, फसल लगाई, फसल काटी, उसका दाने निकाल के खा गए आप, यही हाल है, ये एनिमल्स की क्रॉप है, वो आप अपने फार्म पे उसको उनको बड़ा करते हो, उगाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, फिर आप लोग मार के खाते हैं उसको। चलो आप अपनी रखो, नहीं फेलो, आप तो थोड़ा देखो, आपको फेवरेट मीट क्या है? हाँ मैं फिश ज्यादा पसंद करता हूँ। तो फिश के फैमिली नहीं है वो, मोनोगैमस नहीं है उसके, वो तो पर्सनल हो गया सर, वो छोड़ो आप, जनरल बात कर, नहीं नहीं पूछो, वही मैं तो आपको नॉन जो वेजिटेरियन है उसका आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ कि वो ये सोचते हैं हरियाणा वाले। नहीं नहीं देखो बात ऐसी है सर, देखो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ तो ट्रेडिशनली तुम्हारे यहाँ भी मीट नहीं खाते, ठीक है, लेकिन अब मैं अपना गाँव लेके थोड़ी दुनिया भर में घूमूंगा। हाँ जब गांव ही छोड़ दिया और जब मैं इधर उधर जा रहा हूँ दुनिया भर, इसका मतलब ये नहीं है कि गांव वाले गलत थे, किसने कहा, किसने बोला, ये तो बोले नहीं जा रहा यार, तुम क्यों गड्ढा खोदते, खुद ही फंसते जा रहे हो यार। देखो अभी किसी ने बोला कि गांव वाले गलत थे, इन्होंने बोला कि इनको फिश खानी पसंद है ना। हाँ, हाँ। अब मैं ये भी बता दूं, जो फिश है वो हमारे सबके एंसेस्टर है, एंसेस्टर से 180 मिलियन पीछे चले जाओ, अपने एंसेस्टर जो है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ये वो करते पहुंच जाओ, हम फिश पे पहुंच जाएंगे, हम उसको खा रहे हैं, बताओ वो, ये तो हमारी असलियत है। आपने कभी किसी जानवर को काट के खाया है खुद? क्यों भाई, उसके लिए प्रोफेशनल है ना, काट के साफ, हाँ हाँ मैंने करा, जिसका काम उसी को, मैंने किया सर, मैंने चिकन को किया, सर्जन नहीं है तो, मैंने चिकन को खाया, इंसानों को काटा है मैंने चिकन को, आपने? हाँ मैंने एक बार ऊंट को जिबा किया था, मैंने भी सही में किया था, चिकन छोटा था उसका कोई मतलब ही नहीं, ऊंट बड़ा था इसलिए आपको हैरानी हो रही है, उसकी आंखों में देखा गया आपसे? हाँ ऊंट की देखा मैंने, उसकी आंखों में उसके बच्चे थे,
वो आप मिले थे इन्हीं से ना, तब नहीं तो पूछ लेते थे कि भाई यार हमें पूछा जाएगा। नहीं, यंग था, अनमैरिड था वो। सिंगल को रगड़ दे। बट प्यार भी तो हो सकता है किसी से करता हूं। अब ये प्यार, अब वो बताएगा तो मैं समझ, मुझे पता भी चले। आपने देखा उसको कभी? किसको? आंखों में देखा भाई, था ही नहीं प्यार। किसी से नैन मटक का चल रहा उसका? अब कोई ऊंटनी आस पास तो थी नहीं, या फिर वो मतलब उसके प्रोनाउंस जो थे ऊंट के वो गड़बड़ थे। पूछे नहीं आपने? मैंने पूछे नहीं। उसके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, उसके मम्मी पापा भी। मम्मी पापा भी पहले कट चुके थे। अच्छा। वो था सामने मतलब, और मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट लाने के लिए कर रहा हूँ। ईद पे मेरे दोस्तों ने बुलाया था मेरे को तो, लेकिन मैंने काटी थी मुर्गी, काटी नहीं थी मेरे किसी का था वो पोल्ट्री फार्म, उनका काम यही था, मुर्गी थी तो वो काटते नहीं थे, काटते नहीं थे, पकड़ा रन किया झटका, दैट्स इट, लीव इट, अलग हो जाता है। हाँ, एक तो वो मैंने, मैं छोटा था तब, लेकिन मैंने कहा यार मैं करके देखता हूँ, वो तो डेली करता था, तो उनका पोल्ट्री फार्म था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सुबह सुबह निकल जाते हैं कि आओ भी मुर्गियों की गर्दनें मरोड़े हैं, और वही बात है कि जिसका कारण ढूंढना पड़ता है, जिसका काम उसी को साज है ना, कि जो जो बुचर्स हैं वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। अब ऐसे तो मैं मतलब वही आपने जैसे कहा, वो ऑपरेशन भी तो करते ही है ना। हाँ, तो उसमें भी तो कैची चलती है। हाँ, सब कुछ होता है उसमें, खून ज्यादा आता है, इंसान का आता है, अंदर की अंतड़ियां भी निकलती हैं, कई बार दिल का भी वो होता है, तो ये तब तो आप ये नहीं सोचते हो कि भाई इसकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी या बॉयफ्रेंड होगा या नहीं। हमें सोचना ये भी चाहिए कि जो प्लांट्स खाते हैं ना, हम ऐसे खा लेते हैं उनको। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। अरे वो भाई, एक और मजे की बात ये है कि हमें प्लांट्स को पेन फील होता है। मैं कहता हूँ चलो मान लो नहीं होता, ठीक है, हम इतने एहसान फरामोश हो गए हैं कि जो हमें ऑक्सीजन देता है, जिसके कारण हम जी रहे हैं, उसको काट के खा लो, उसे चेप लो। हाँ, जिसके कारण ये सारा, हरियाणा क्या करता है ना, हरियाणा जो ऑक्सीजन देने वालों को ही खाता है। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है कि जो एनवायरमेंटली नॉन वेजिटेरियन फूड इज डैमेजिंग। हाँ, आफ्टर लिमिट, आफ्टर पॉइंट, अगर उसको सस्टेन तरीके से, जो वेस्टेज है ना वो ना हो, सस्टेन तरीके से हो, फार्मिंग रेगुलेटेड हो, तब ठीक है। जस्ट लाइक एनी अदर थिंग, जस्ट लाइक एनी अदर थिंग, मतलब गाड़ियां उससे ज्यादा वो भी डैमेज कर रही है, बिल्कुल ना। वो तो है कि अगर आप एक मान लीजिए भेड़ या यू नो कोई बीफ के लिए एनिमल को तैयार कर रहे हैं तो मीथेन गैस इतनी छोड़ती है एंड ऑल दैट, क्लाइमेट चेंज होती है, बट अब उसकी अगली स्टेज भी आ रही है ना, लैब में बना रहे हैं, आपको लैब में मीट के बर्गर्स और वो सब बनने चालू हो गए हैं, जिसमें वही टेस्ट, वही सब कुछ उसमें उन्होंने डाल रहे हैं। बट इट्स नॉट मीट। No, it is from cells and everything. Okay. It will, you, आपको फर्क नहीं पता लगेगा। लेकिन उसमें क्या है कि आपको जानवर नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा में ना कुछ और ही हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है? पहलवानी के अलावा? नहीं, हरियाणा में पहलवान है जो सुबह शाम बजरंग बली के सामने दंड बैठक लगाते हैं। और फिर अभी प्रयास में बताए कितने मेडल ले आए जी इंडिया के लिए? बहुत सारे, सबसे ज्यादा। उससे मुझे याद आया सर, अच्छा पहले आप अपना पॉइंट पूरा कर दो। मैं नहीं, मुझे पहलवानों से याद आया, वो दूध तो बहुत पीते हैं, है ना, दूध के ऊपर। अब जो दूध है वो भैंस जो है दूध अपने बच्चे के लिए देती है और तुम भी जाते हो, वो निकाल के हम पीते रहते हैं, बच्चे को पिलाते हैं, जो जितना बच्चा पी लेता है उसके बाद बाकी निकाला जाता है। अच्छा, सारी जगह तो ऐसा नहीं होता, जो सारी जगह तो बच्चे को पिला के नहीं पिलाया जाता, लेकिन उनको तो हार्मोन भी दिए जाते, हार्मोन्स दिए जाते हैं, निकालो दूध, अच्छा नहीं हो कोई बात नहीं, दूध निकालो। दो डांगर का दूध जो है ना उसके बच्चे के लिए, हमारे लिए नहीं है। हाँ, छोटे से कटड़े को ना, आपने भैंस का 10 किलो दूध पिला दिया ना, वही खिंड जाएगा। हाँ, तो खिंड क्यों जाए, तो 10 किलो 100 ग्राम में बीमार पड़ जाता है वो, एक बार में तो एक्स्ट्रा है ना, वो तो एक्स्ट्रा है ना, जितना उसको चाहिए वो पिएगा, नहीं पिएगा ना सही। हाँ, तो बाकी वो भैंस परेशान हो जाती है, अडर खाली करना पड़ता है जी। तो फिर जब वो बाद में कैसे देती रहती है? फिर चलता है, इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? 5-6 महीने तक चलता है वो इंजेक्शन, दो रीजन से लगाया जाता है, ऑब्वियसली कमर्शियल होती है वो, दूध निकालने के लिए इजीली निकल जाए इसलिए इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको नशा हो जाए, वही हो गया ना वो, दैट इज सैड पार्ट कि इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है जो। लेकिन ये भी एक मूवमेंट है पूरी चली हुई, जो एंटी मिल्क वाली मूवमेंट है ना, कि ये हमारे लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल हमारे नहीं, नहीं हमारे लिए बना नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, लेकिन हम उसको यूज करते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ में हेल्प करता है, लेकिन ये भी तो एनिमल प्रोडक्ट है। एक और ब्रीड भी तो आ गई वीगन्स की। हाँ, वो वीगन्स का अलग ही वो है कि टेबल पे बैठते सबसे पहले अनाउंस करते हैं कि भाई मैं वीगन हूँ,
ये नहीं खाना, 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 समझ में नहीं आती। उसमें एक सेंस ऑफ प्राउड और एक सेंस ऑफ कॉन्डिसेंडिंग सी आती है ना। हाँ, वो क्या बोला एंथनी बोर्डन ने? तो बोला वीगन्स आर द हिज़्बुल्लाह ऑफ फूड। कोई भी, आई मीन फॉर दैट मैटर, चाहे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन, लेकिन जब वो स्टांस ले लेते हैं ना ऊपर से मैं हूं सब कुछ, कि मैं मतलब अपना वो बता के कि भाई मैं वीगन हूं और मेरे को ये नहीं खाना, 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 तो सामने वाला बंदा जो बैठा हुआ है वो परेशान, मैं परेशान हो गया था। मैं एक बार अमेरिका में एक लड़की से मिला था जो वीगन थी, उसने मेरा जीना दुभर कर दिया सर। अच्छा, कैसे? तो मैंने बोला कि भाई आप क्या खाओगे? ये नहीं, अब कुछ भी तो खाते नहीं है वो यार। हाँ, हाँ। फिर उनका अजीब सा वो सोया वोया पता नहीं क्या क्या वो मिलता नहीं है यार। ठीक है यार, आप खाओ ना, उसका इतना बड़ा वो बनाने की क्या जरूरत है दूसरे को क्यों ये बोलना कि यार तुम ये खा रहे हो, मैं तो एनिमल प्रोडक्ट कुछ नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगी ये करूंगा। तो ये वीगन ब्रीड जो है ठीक है, ये बहुत मॉरल हाईग्राउंड लेके बैठे होते हैं। सर दर्शकों के लिए बता दो वीगन क्या होता है। वीगन आप ही बताओ सर, आप मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड हो, बता दो। वीगन मतलब एनिमल प्रोडक्ट कुछ खाना ही नहीं है। हाँ, पनीर, हाँ, दूध, घी, मक्खन, राइट, और एनी फॉर्म ऑफ पोल्ट्री और मीट और व्हाटएवर, मतलब उनका कुछ अलग ही वो होता है। हाँ, कि हमें खाली ये खाना है। और लेकिन वो इतना हाई मॉरल ग्राउंड लेके बैठते हैं, मतलब जैसे आप सोशल मीडिया पे अपना रिलेशनशिप स्टेटस लगाते हो ना, कि सिंगल है या sense of अजीब ही प्राउड कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में या कुछ भी है, उनका सबसे पहले होता है वीगन। ये कोई लेवल ऑफ अचीवमेंट है क्या? अब पता नहीं सर, आप ही बताओ मेरे को वीगन। मेरे हिसाब से तो मुझे तो डर लगता है ये सुन के, क्योंकि प्रॉपर वीगन है, क्योंकि जब उनका ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, उनके विटामिन लेवल्स वगैरह देखे जाते हैं, तो डेफिशिएंसीज ही पाई जाती हैं सब में यंगस्टर्स में पाई जाती हैं, जिनमें ऐसे ऐसे विटामिन B12 फॉलिक एसिड वगैरह की पाई जाती है जो होनी नहीं चाहिए। अगर आप बैलेंस ही डाइट खा रहे हो तो वो नहीं होनी चाहिए। चलो एक उम्र के बाद, यू नो, एल्डरली स्टेज के बाद होता है कि कुछ नहीं बनते विटामिन वगैरह, हम नहीं बना सकते, ले सकते, लेकिन उस एज में आप 25 साल के हो और आप आधे डेफिशिएंसीज में घूम रहे हो बिकॉज ऑफ देयर वीगनिज्म, वीगनिज्म, बिकॉज डाइट पूरी कंट्रोल। वेजिटेरियनिज्म में भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर आप बिल्कुल नहीं खाते हो। अगर आप इंडिया में सोचें, इंडिया में जो बहुत लार्जली वेजिटेरियनिज्म काफी एटलीस्ट बोला जाता है कि बहुत है, एक्चुअली ट्रू नहीं है, मतलब हाँ वही मेजॉरिटी ऑफ इंडिया ईट्स मीट। मैं ये भी देखा, इंडिया ईट्स मीट बट चिकन है ना, थोड़ा बहुत सी फूड, बट ऐसा नहीं है कि पूरी वैरायटी का मीट खाया जा रहा और डेली डेली नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार खाए, बहुत कम है, वो थोड़ा महंगा भी है या व्हाटएवर द रीजन। एनीमिया तो बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन, सिंपल सी चीज, विटामिन डेफिशिएंसीज, एनीमिया, और उसके चलते जो सारी लाइफ, अगर आपका आप ये लगा लीजिए गर्ल चाइल्ड जब ग्रो अप कर रही है, उसको कैल्शियम नहीं मिला, उसको एनीमिया में रही है, तो वो सारी उम्र उसकी प्रॉब्लम है। जब वो बच्चे प्रेग्नेंट होगी या नहा भी हो प्रेग्नेंट, नॉर्मल लाइफ, कैल्शियम नहीं है तो ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी आएगा, वो जाएगा तो हड्डियों में दर्द, यू नो, ये वो, सो द प्रॉब्लम सेट्स इन राइट देयर। अंडा नहीं खिलाने देते। हाँ, अंडे का भी बड़ा मसला। अंडा इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस, मतलब फूड जो होता है ना आइटम, वो है, वो उसमें सारा कुछ है, वो नहीं देने देते क्योंकि नॉन वेजिटेरियन। यहाँ पे आप यूरोप में आ जाओ, वो तो फिश भी दे देते हैं वेजिटेरियन में। आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ, याद आ गया, आई थिंक ग्लासगो का यह खबर में आया था कि उसने पता नहीं कितने सालों से टोमेटो सूप पिला रहा था, ठीक है, टोमेटो सूप, और जनता पता नहीं कहाँ कहाँ से जाके पीती रही। पीछे लोग, जनता ने डिस्कवर किया कि वो टोमेटो सूप में चिकन स्टॉक का क्यूब आते हैं, यहाँ पे स्टॉक क्यूब जो मिलते हैं, अपने भी मिलते हैं, वो डालता था। तो दुनिया तो अब इन आर्म्स के, हमें क्या, अब सबने सोचा कि टोमेटो सूप है तो वेजिटेरियन होगा। कहता मैंने कब कहा वेजिटेरियन था, मैं तो टोमेटो सूप बेच रहा हूँ, उसमें वो चिकन स्टॉक डालता था। तब जनता वो आई लाइक दिस गाय, वो आई लाइक दिस गाय अ लॉट, वो पूरा पी गई, और मतलब दुनिया को समझ नहीं आया कि उसको डील कैसे करें। अंदर तो चिकन का स्टॉक चला गया, अब उसमें मुझे ये नहीं पता असली चिकन था या स्वाद था जो भी व्हाटएवर, लेकिन अब क्या करेंगे लोग ऐसे, जी बताओ अब अंदर से क्या निकालेंगे, जीन्स में से निकालेंगे, कहां से निकालेंगे। सो आई डोंट गेट दिस के लोग सिर्फ वेज प्लांट्स खाएंगे, सिर्फ एनिमल जो मीट की बात करें वो खाने वाले भी गलत है। अगर मैं थोड़ा सा और खा, सर देखो मैं तो ये मानता हूँ, मुझे मतलब मुझे वेजिटेरियन की क्रेविंग होती है कई दफा। हाँ हाँ, कि विच इज गुड, कि मैंने ना आज ना ये खाना है। अभी जैसे मैं बताया था, मैं उज़्बेकिस्तान ट्रेवल किया था, तो वहां इतना मीट खाया मैंने कि मैं वापस आके ना, मैं आई वॉज क्रेविंग कि मुझे ना वेजिटेरियन खाना है। तो फूड इज अ मेन्यू जहाँ पे आपको सब कुछ टेस्ट कर, मतलब यार आप इंसान हो, पैदा हो, जीने का एक बहुत बड़ा
जो फन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फन ऑफ लाइफ इज हैविंग गुड फूड, अच्छा खाना खाओ, हर तरीके का खाना खाओ। आपने सही बात पॉइंट आउट करी, हर तरीके जो वेरिड वैरायटी वाली बात है ना, दिस गोज इन फेवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म। बट जो प्लांट ईटर्स हैं, अगर आप वेरिड प्लांट डाइट खाते हो, जो वेजिटेरियन वाले होते हैं ना अक्सर, जो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई कुड बी रॉन्ग, वो ना बड़ी फिर भी लिमिटेड वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, है ना, उनको वही चार सब्जियां, पांच सब्जियां, चार पांच दालें और वो सब वही कुछ, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बोलूं, दैट इज नॉट एनफ। आपको वेरिड प्लांट डाइट खानी पड़ती है, आपको वो भी खानी है जो सब्जी जो आपको बनानी नहीं आती। इफ यू डू दैट, ऑब्वियसली उसके साथ आप जैसे फिश हफ्ते में एक आधी बार रेड मीट भी खाओ, ऐसा नहीं कि डेली रेड मीट, लेकिन खाओ। जब आप ये करते हो तो आपके जो अंतड़ियां होती हैं, आंतें इंटेस्टाइन्स, उसके अंदर ना हमारे बहुत ट्रिलियंस में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया कह लो आप, ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग तरह के, उनको हम माइक्रोबायोम कहते हैं। बहुत लेटेस्ट रिसर्च की बात कर रहा हूँ आपको, ये चल मतलब बहुत आगे आने वाले 10 साल में ना हम बहुत सुनेंगे इसके बारे में। वो जो है माइक्रोबायोम अफेक्ट्स अवर हेल्थ का सारे एस्पेक्ट, मेंटल हेल्थ से लेकर कार्डियक हेल्थ, ये वो लटरम पटरम। जब हम मान लीजिए सिर्फ मीट खाते हैं तब वो डिस्टर्ब हो जाती है, जब हम बैलेंस डाइट नहीं खाते तो वो जो माइक्रोबायोम है ना वो अपसेट होता है, और जब वो अपसेट होता है आपकी हेल्थ अपसेट होती है। लेकिन उसमें वेरिड जब खाते हो, सॉरी लास्ट थिंग, वो वेरिड पे आ रहा हूं, अलग 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 तरीके के प्लांट्स खाने, तब वो पनपता है, उसको आप पालते हो, दैट कीप्स योर हेल्थ वेरी गुड। तो बेसिकली हरियाणा की जो पहलवान है जो वर्जिश वगैरह मारते रहते हैं, खाली वेजिटेरियन खाते हैं, उनका जो बायोम क्या, माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोम गट बायोम, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। गुड, तो प्रयास भाई क्या आपको फेक फिनिशिंग स्टेटमेंट देना है? नहीं, कोई माइक्रोबायोम कुछ खराब नहीं है जी। नहीं, वो जो जिनकी वो, ये बात कर रहे हैं ना, जिस हरियाणा से ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनके लिए तो होते ही है, उनके लिए तो बस कुछ नहीं है, पहलवान है जो दिख रहा है ना मोटा ताजा, वही है असली, जो नहीं दिख रहा हो तो वही नहीं। तो ये इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही माइक्रोबायोम खराब होता है, उनका कुछ खराब नहीं होता, वो मजे ले रहे हैं, वो सीधे खराब होते हैं। तो मगर ये हरियाणा के पहलवानों की तोंद क्यों निकली रहती है? वो तो खेलना जब बंद कर देते हैं तब निकलती है, खेलते टाइम किसी की नहीं निकलती। तो संजय साहब, वैसे ये तो मुर्गी का प्यार और फैमिली और वो सब तो चलती रहेगी, लेकिन इंडिया में और बड़ी दिक्कतें हैं और फूड हैबिट्स को लेकर बड़ी चीजें हैं जिसके ऊपर वो बेस की जाती है। इसमें एक चीज जैसे आती है कि मान लीजिए अपना समाज कास्ट के नाम पे बहुत बटा हुआ है, बिल्कुल है ना, उसमें फूड बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होती होगी। फूड बिल्कुल होती है सर, और अभी देखो ना कि पिग फॉर एग्जांपल, ठीक है, पिग की स्लॉटरिंग और पिग का मीट खाने वाले और स्लॉटर करने वाले एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बनाई गई है, मतलब कि यही करेंगे एज ए कास्ट। हाँ, एक कास्ट जो है, अच्छा, वो बनाई गई है, ठीक है। और जो इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, मतलब बच्चों के मिड डे मील से अंडा हटा दिया गया। हाँ, वो तो मतलब दैट वाज एक्चुअली, हाँ, और वेजिटेरियनिज्म को ऐसे दिखाया जा रहा है कि मतलब हिंदू होने का मतलब ये है कि आपको वेजिटेरियन होना है। और लेकिन ये तो बड़ा अनरियल, लेकिन गाय का गोबर खा लेंगे, गोबर खा लेंगे, पेशाब भी पी लेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ब्राह्मण भी बीफ खाते रहे हैं, हमेशा ट्रेडिशनली खाते रहे हैं सर। हाँ। मतलब ये तो गाय वाला जो एंगल है, ये तो पता नहीं कहाँ से आया है, क्यों। तो इंडिया तो वर्ल्ड का बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, मतलब ब्राजील और इंडिया ऊपर नीचे रहते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो हिपोक्रेसी है। और लेकिन कास्ट की जहां तक बात है कि फूड जो है ना, मतलब देयर वाज एन आर्टिकल दैट आई रेड रिसेंटली कि दलित फूड्स के ऊपर कुछ था कि दलित रेसिपीज, अच्छा, जो थी मोस्ट ऑफ देम वर मीट रेसिपीज एंड मोस्ट ऑफ देम वर ब्रिलियंट रेसिपीज। आई वाज मतलब मुझे लगा कि ये खाना चाहिए। तो ये जो ब्राह्मणिज्म की प्रिविलेज है ना कि जिनको खाने में चॉइस है। लेकिन एज यू कम डाउन कास्ट सिस्टम के लेयर्स में नीचे आप आएंगे, उनके पास खाने की चॉइस नहीं है। हाँ, और फिर ब्राह्मणिज्म ही ये डिक्टेट करता है कि मेरे पास तो सारी चॉइस है, इसलिए मैं चूज करूंगा ये खाने का। और वो जिसके पास चॉइस नहीं है, वो बिकॉज वो खा रहा है जो मतलब अवेलेबल है उसके पास, इसलिए उसे डिस्क्रिमिनेट भी करूंगा, इसलिए उसे कैस्टिगेट भी करूंगा। तो खाने को लेके तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत बहुत मसला है सर, कि मतलब रिलीजन में, कास्ट में, मतलब फूड हैज
आपने देखा नहीं हुआ कि मतलब लोग अभी तो इंडिया में क्या हुआ पिछले कुछ सालों में, इखलाक था उसके फूड में मटन था लेकिन उसको मार दिया कि इसमें बीफ है। शायद भी अगर बीफ भी हो, अगर बीफ भी हो तो क्या, तो जो बीफ होगा या गाय का जो मांस होगा वो इंसान से भी जरूरी हो गया। हाँ तो बताओ, मतलब इनको देखो कि पहली बात तो ये कि वो निकला मटन, हाँ ठीक है, which was already beside the point मेरे लिए, तो वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर बीफ भी है तो वो इंसान से ज्यादा वो है, तो ये तो हिंदुस्तान में बहुत हो रहा है कि खाने को लेके लोगों को मारा जा रहा है, और वो तब जब इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द बीफ है, और एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं जो लोग जिनकी ये फैक्ट्रीज हैं, मीट की फैक्ट्रीज हैं, ये सब एक पर्टिकुलर पार्टी के हैं जो पावर में है। अच्छा, उनका धर्म भी कुछ वो है क्या? नहीं नहीं, वो सब हिंदू हैं। अरे बाप रे। और उन्होंने अपनी दुकानों के नाम रखे हुए अल करीम अल ये वो, ताकि मतलब ये हिपोक्रेसी कायम है। और वो एक पर्टिकुलर पार्टी के जो भी पावर में है बीजेपी के, और वो बाहर लोगों को वो करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं कि भाई वो फलाने के घर में बीफ है इसे मारो और वो मारो। सो ये ये जो किसी के खाने के ऊपर उसको जज करना कि वो क्या खाता है, उसको जज करना, और वो शुरुआत है इंटॉलरेंस की, और उसके बाद यही इंटॉलरेंस जो है ना अल्टीमेटली खाने की वजह से लोगों को मरवा भी रही है। वैसे एक्चुअली बड़ी मैं सोच रहा हूँ, बड़ी आयरोनिकल सी बात करूं मैं, कि एक साइड ये बीफ को जनरेट करने वाले उनको टारगेट किया जा रहा है, जो कि हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बात कर रहे हैं, जो किसान फसलें उगा रहे हैं वेजिटेरियन फूड उगा रहे हैं उनको भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनको भी सड़कों पे उनको टेररिस्ट बोल रहे हैं, उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं, उनको लाठियां पड़ रही हैं वहां पे, ठीक है, तो ऐसे भी कोई बात नहीं है। खैर वो तो देखो पॉलिटिक्स नहीं, मैं तो फूड एंगल से देख रहा हूँ, तो मैं फूड की जो पॉलिटिक्स है ना, जो भी उसको इस्तेमाल करता है ना, मतलब कोई भी अगर एक रूलिंग पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो जिसकी गवर्नमेंट है, वो अगर फूड खाने की पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करती है ना, तो उससे ज्यादा घटिया चीज कोई नहीं हो सकती। किसी के खाने को लेके आप उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, वो भी तब जब इंडिया में हंगर इंडेक्स इतना बुरा हाल, कहां से कहां पहुंच गए, लोगों को खाने का मिल नहीं रहा, आप उसको प्रोवाइड तो क्या करना है, और खाने से रोक ही रहे हो, वो कंट्रोल कर रहे हो कि किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दिस इज इसमें तो फिर वो भी आता होगा ना, जैसे अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रेटा की तरफ से देखें, तो आपको लगता है कि जो एलीट क्लास है वो भी इसमें ज्यादा फूफा करती है वेजिटेरियनिज्म वीगनिज्म, और जो फिर उसको पुश डाउन करने की कोशिश की जाती है। हां सिंपल सी बात है, देखो ये सब मतलब वो एंगल क्या होगा, जिसके पास चॉइस हो, चॉइस है वो ही जो है मतलब ये बोलेगा कि ये खाना ये नहीं खाना, जिसके पास चॉइस ही नहीं है, उसको तो खाना मिल, उसको तो खाना ही पड़ेगा ना। मतलब बिहार में देयर इज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मुसाहार जिनको बोलते हैं, चूहा अच्छा, खाते हैं वो, अच्छा चॉइस ही नहीं है। बताइए बिहार में, हाँ अच्छा बताइए, तो उस पर किसी को शर्म नहीं आती पॉलिसी मेकर्स को, कोई शर्म नहीं आती लोगों को ना, मतलब इतनी भुखमरी है इस मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर बच्चों को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा उनका उनका। अब आप मेरे को कोई लॉजिक बताओ, व्हाट कुड बी द लॉजिक कि आप जिससे एक्सप्लेन करोगे कि मिड डे मील में से अंडा ही हटा दिया बच्चों के लिए, क्या लॉजिक हो सकता है? वही अपना धर्म को प्रमोट, या तो तुम उसके बदले में बादाम काजू किशमिश छुआरे इतने सारे दे दिए, उसको पूरे को कवर करो, हाँ या तो तुम वो बताओ, लेकिन जो मिल रहा है वो भी हटा दिया वहां से, और वो भी बच्चों के लिए जो कि आगे उनकी सारी लाइफ पे इंपैक्ट, पूरी लाइफ पे इंपैक्ट करेगा उनको। इस टाइम डेफिशिएंसी की वजह, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में जो प्रॉब्लम हो जाएगी, जिंदगी भर उसको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको पता भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है, बच्चों का तो कसूर भी नहीं है, कोई कोई आके एक्सप्लेन भी नहीं करता कि हमने अंडा बंद क्यों किया। तो बिल्कुल, इसमें एक और मुझे दिमाग में आ रही है बात, क्योंकि अक्सर जो वेजिटेरियनिज्म की बात करते हैं ना, वो सस्टेनेबिलिटी की बात बहुत करते हैं कि भाई जो मीट खाने वाला जो काम है ना वो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब वो अब कितने शताब्दियों से लोग खा रहे हैं, लेकिन और वो क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी की बड़ी बात करते हैं, वही तो आपने पहले बोला, तो हाँ, लेकिन जब इंडिया की मैं बात करते हैं तो इंडिया में ऐसा तो कुछ भयंकर लेवल पे होता नहीं कि सस्टेनेबल ना हो मीट प्रोडक्ट। हाँ सर देखो इंडिया में, देखो पहली बात तो ये कि बहुत लोग मीट खाते हैं, मतलब इंडिया में ज्यादा नॉन वेजिटेरियंस हैं, देन
वेजिटेरियंस। अच्छा, हरियाणा की अलग बात है, उनको तो कुश्ती उश्ती करनी है। नहीं, पंजाब में तो ऐसा ही है जो आप कह रहे हो। हाँ, तो वो पता नहीं हरियाणा और पंजाब का एवोल्यूशन है। नहीं नहीं, ये हमारा हरियाणा यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना, ये बताएगा भी। अच्छा, कि ये ज्ञान पे लेगा इसके बारे में। बहुत बहुत लोग मीट खाते हैं। और सस्टेनेबिलिटी की जहां तक बात है कि इतने शताब्दी, देखो मैं ये नहीं कह रहा, सी लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, दैट वेजिटेरियनिज्म इज अ परफेक्टली ओके चॉइस। मतलब इफ समबडी वांट्स टू बी अ वेजिटेरियन एंड लाइक मैं एज आई टोल्ड यू, आई क्रेव फॉर वेजिटेरियन फूड समटाइम्स, सो डू आई, कि मुझे भैया ये सब चीजें खाने का मन करता है। लेकिन वेजिटेरियनिज्म का कोई हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले सकता, किसी का भी नहीं लेना चाहिए। ना मीट ईटर ले सकता, ना कुछ ले सकता, क्योंकि मीट ईटर भी अक्सर बोल देते हैं कि यार आप तो घास फूस खाते हैं। हां, दैट इज इक्वली, कितना ये बोलते हैं कि भाई गोश्त खाने से ताकत आती है और इसमें फास्ट बॉलर निकलते हैं, ये निकलते हैं। वो भी आई वुड टेक्निकली मेंशन इट कि बहुत बहुत एलीट एथलीट्स हैं जो वेजिटेरियन हैं। मेडल जीते विराट कोहली। हां चलो, विराट कोहली तो वीगन हो गया है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि विराट कोहली जैसा इंसान जो है ना, उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि चॉइसेस हैं, और प्लस उसको बताने वाले 10 स्पेशलिस्ट होंगे कि भाई तेरा ये कम हो रहा है, चेक करवा ले। अगर आम लोग ऐसा करने लग गए तो बहुत, तो उनको बिफोर दे विल रियलाइज इट 10 साल निकल जाएंगे उनकी और जिंदगी वैसे आधी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखो जैसे अब फूड हैबिट में मतलब रिलीजन भी जोड़ दिया गया है, ठीक है, वही मैं उस पर भी आने वाला था। अब मुसलमान है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इंडिया में बेशुमार मुसलमान है, ठीक है, अब इनका एक नया पैंतरा है कि हमने हलाल ही खाना है। हाँ। अब आप मेरे को बताओ कि हलाल और अदरवाइज कोई फर्क है? वो तो जानवर तो जाएगा है ना। आप जाके वहां पे अभी रेस्टोरेंट में, दिन में यहाँ पे बैठा हुआ था एडिनबरा में, रेस्टोरेंट में 7-8 लोग आए और वहां पे रेस्टोरेंट में बहस कर रहे, मतलब बहस कर, देखो मेकिंग डबल, देखो मेकिंग श्योर, उन्हें चिकन टिक्का भी खाना है, ये भी इंडियन रेस्टोरेंट था, चिकन टिक्का, ये मटन शटन मंगाया, हलाल 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 हलाल। जानवर कत्ल हो चुका है, वो बन चुका है, कोई भी मेरे को साइंटिफिक प्रूफ ला के दे दो कि हलाल में और झटके में ये फर्क होता है। तो जब ये साग काटा जाता है, हाँ, है ना, हाँ, तब नहीं कोई पूछता हलाल है, तब नहीं पूछता कोई, तब नहीं पूछता, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का, क्योंकि उसमें से खून नहीं आ रहा है, क्या सीन है पता नहीं। आप ये बताओ सर, आप सोचो एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपके सामने यंगस्टर्स आते हैं 25-30 ईयर ओल्ड, और वहां पे खाना ऑर्डर कर रहे हैं, एंड देन फिर बार बार पूछते हैं हलाल है ना, हलाल है ना, हलाल है ना, कितनी हंसी आई। ये बहुत बड़ी मार्केट है बाय द वे, हलाल की जो मार्केट है ना, इकोनॉमिक्स अगर इसकी देखें तो इसको एक अलग से मार्केट पूरी बनाई हुई है, और इसके जो लाइसेंस मिलते हैं जब आप प्रिपेयर करते हो ना हलाल मीट, अगर आप जाके बात करो तो एक बंदे के पास होता है पूरे स्कॉटलैंड को कवर करता है, फिर उसकी बदमाशी है पूरी कि वो हलाल मीट कहाँ से फार्म जो कर रहे हैं, फार्म पे यहाँ पे लोग फार्मिंग करते हैं शीप की डियर की, तो वो अब उनके अंदर है। तो इट्स नॉट जस्ट के धर्म वो कर रहा है, इकोनॉमिक्स भी उसको करती है, और धर्म इज इकोनॉमिक्स ओनली सर, धर्म डजंट एग्जिस्ट अगर इकोनॉमिक पावर ना हो। टोटली एग्री। दिस वाज अनदर एपिसोड ऑफ द फोर्थ डायमेंशन, एंड फूड हैबिट सबकी अपनी अपनी पर्सनल होती है, जिसको जो खाने का मन है वो खाए, कोई किसी को जज ना करे, और एक एक लोगों का अपना कल्चर होता है, लोगों की अपनी तबीयतें होती हैं, लोगों को अपना अपना स्वाद होता है, तो हम लिव एंड लेट लिव की ट्रेडिशन को अगर फॉलो करते हैं, जिसको जो खाना है वो खाए। अब रही बात कि जानवरों की भी फैमिली है, उनमें भी मोनोगमी है, उनकी भी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। प्लांट्स में भी हुई है, प्लांट्स में भी हुई है। बाकी प्रयास जी इसके बारे में आपके और ज्ञान पेल के दिखाएंगे।